हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। रूट फाइव ए रैशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये राइट करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट रूट फाइव is a rational number and can be written in the form of p upon q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to zero। तो रूट फाइव एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q co-prime integers हैं और q is equal should not be equal to zero, zero नहीं होना चाहिए। co-prime का मतलब क्या हो गया है कि जो HCF है p और q का it will be equal to 1। HCF जो है p और q का 1 होना चाहिए, that is highest common factor। तो इसका मतलब है root 5 is equal to p upon q। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो root 5 का स्क्वेयर 5 हो गया, p का स्क्वेयर p स्क्वेयर और q का स्क्वेयर q स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यू कैन राइट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर हम लोग 5 को डिवाइड में ले आएंगे तो इट विल बिकम पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p आल्सो। जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है लेकिन उसका प्रूव नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे बाय थ्योरम 1.3। ये बुक में 1.3 थ्योरम है तो हम लोग लिख देंगे ये बाय थ्योरम 1.3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 है वो p का एक फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो हमने क्या लिख दिया कि जो 5 है वो p का फैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद अगर 5 p को डिवाइड करता है एज 5 डिवाइड्स p, सो p अपॉन 5, तो p अपॉन 5 जब करेंगे तो हमें एक नया इंटीजर r मिलेगा, वेयर r इज सम इंटीजर। अगर हम लोग p को 5 से डिवाइड करेंगे, किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे जो उसका प्रॉपर फैक्टर है, तो हमें एक नया इंटीजर मिलेगा। तो हमने वही लिखा है कि p अपॉन 5 इज इक्वल टू r, वेयर r इज सम इंटीजर। अब यहां पे दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो p का स्क्वेयर p स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 और r का स्क्वेयर r हो गया। अब यहां पे करना क्या है आप लोगों को, p स्क्वेयर की जो वैल्यू है दैट इज 5q स्क्वेयर, वो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, p स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 5q स्क्वायर और डिवाइड में 25 आ रहा है इज इक्वल टू r स्क्वायर। और यहां पे रीजन लिख देंगे p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर के इक्वल है। यहां पे लाइन खींच देता हूं ताकि अलग अलग बना रहे। ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया,
ए सेकंड, लाइक दिस, और ये आप लोगों के पास थर्ड वाला हिस्सा होगा। तो इसका मतलब है कि जब 5 को 25 से कट करेंगे तो वी विल गेट क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस जो नया इंटीजर है उसका स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या होता है, हमें मिला है क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स करता है क्यू स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, और वो किस वजह से है, थ्योरम 1.3 की वजह से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो जो 5 है वो क्यू का फैक्टर हो गया है। अब देखिए हमने 5 को पी का भी फैक्टर प्रूव कर दिया है और 5 को क्यू का भी फैक्टर प्रूव कर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, तो 5 जो है वो पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया है। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली तो अब उनका एचसीएफ 5 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो Our assumption is wrong, ये लिखने के लिए हम लोग ये लिख देंगे थोड़ा बेटर वे में, but we have written that P and Q are co-prime integers, means our assumption is wrong and it is also because root 5 is a, it is also wrong to assume that root 5 is a rational number, so by method of contradiction root 5 is an irrational number। contradiction क्या होता है कि जब हम लोग कोई स्टेटमेंट कहते हैं लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जो रिजल्ट आता है वो उसका उलट होता है, तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये थी कि हमने तो को प्राइम अज्यूम किया था पी और क्यू को, और यहीं से हमने इसलिए माना कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एचसीएफ 1 नहीं है, एक और कॉमन फैक्टर है दोनों का जो 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब हमारी ये जो स्टार्टिंग वाली assumption थी ये गलत हो गई, और ये क्यों गलत हुई, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ये मानना था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो इसी वजह से जब ये वाली assumption भी गलत हो गई तो फिर हम लोग लिखते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का टर्न हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास,
प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल. 3 + 2√5 हमें इरेशनल प्रूव करना है. अब देखिए हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि रूट फाइव जो है हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया है. उसके बाद क्या स्टेप होगा वो लिखने वाले हैं हम लोग. लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो को प्राइम का वही मतलब हो गया कि एचसीएफ जो है ए और बी का वो वन होगा. यहाँ पे अब थोड़ी सी कहानी में हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अकेला रूट वाला नंबर होता है फिर तो प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, स्क्वेयरिंग करके फिर यहाँ पे फैक्टर्स प्रूव करके. लेकिन जब ऑलरेडी नंबर में एक इरेशनल नंबर हो और वो आप लोग पहले प्रूव कर चुके हो या दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले जो आप लोग इरेशनल नहीं है जो चीज, उस सभी को राइट साइड शिफ्ट करोगे. ये हमने एलसीएम ले लिया. अब रूट फाइव को छोड़ के बाकी सारा जो ट्रांसफर है वो राइट साइड कर दोगे. अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ए 3b 2b आर इंटीजर्स. ए भी एक इंटीजर है, 3b भी एक इंटीजर है, 2b भी एक इंटीजर है. तो इसका मतलब है a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, 2b is also an integer. लेकिन 2b जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 तो जीरो नहीं है और b भी जीरो नहीं है, तो 2b भी जीरो नहीं होगा. सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर. तो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, लेकिन नीचे वाला नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर बट टू भी जीरो नहीं है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर हो गया. विच इंप्लाइज रूट फाइव इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि रूट फाइव ए माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल है. तो अगर राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होना चाहिए. But we have proved that root 5 is a irrational number. लेकिन हमने क्या प्रूव किया हुआ है कि root 5 एक irrational number है, which means our assumption is wrong that 3 + 2√5 is a rational number. It is a irrational number. तो हमने ये प्रूव किया कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी अजम्पशन गलत है. और हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो 3 + 2√5 है वो एक रैशनल नंबर है. तो इस तरीके से वो क्या प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, और यही हम लोगों ने करना था. तो आई होप कि आपको फर्स्ट टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के क्लियर हुए होंगे.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।